सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं चल चुका हूँ अपनी सोसाइटी से और अभी ऑटो किया है मैंने मेट्रो स्टेशन, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, और मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स अभी अपने फ्रेंड से मिलने, जो कि है दिल्ली में, और साउथ एक्स की तरफ जाना है मुझे। तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन चलेंगे और फिर वहाँ से मेट्रो लेके चलेंगे, क्योंकि वही सबसे कन्वीनियंट और सबसे फास्ट अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए, तो अभी हम लोग मेट्रो पे आ गए। तो ये हमारा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन है। तो अभी फ्रेंड्स मैं नेहरू प्लेस स्टेशन आ गया हूँ और 1.25 घंटा लगा मेट्रो से नोएडा से, और अब चल रहा हूँ फ्रेंड्स से मिलने। यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर आगे का दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे आना था मुझे, हीरोज होटल है, और अभी यहीं पे फ्रेंड आ रहा है तो उससे मिलते हैं, फिर आगे चलेंगे, देखते हैं क्या प्लान है इवनिंग का। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आए थे, और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, पेट्रोलियम एंड पावर ऑटोमेशन मीट 2023। हिमांशु और ऐसे इन्हीं से मिलने हम आए थे, और अभी आपको ये ब्लॉग में ज़्यादा आएंगे क्योंकि भटिंडा हम लोग अभी ट्रैवल करेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे इनसे मिलते हैं। और अभी हम लोग दिल्ली में मिल रहे हैं, फिर इसके बाद चंडीगढ़ या भटिंडा में मिलेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से चेकआउट करेंगे और दूसरे होटल में द ग्रैंड लिफ्ट, आप देखिए बढ़िया, ये इरोस होटल है ना, इरोस नेहरू प्लेस, इसके बाद द ग्रैंड में जाएंगे, क्या पता। अब चलते हैं कैब में। तो फ्रेंड्स अब कैब आ गई, यहाँ से चलते हैं इरोस से और द ग्रैंड सर। तो यहाँ से अब हम लोग चेकआउट करके निकल गए हैं और अब चलेंगे द ग्रैंड, ये वसंत कुंज साउथ एक्स में। तो अभी हम लोग अपने होटल आ गए हैं और द ग्रैंड, और अब चलते हैं अंदर। डाइनिंग एरिया ये देखिए नीचे, और इधर से एंट्रेंस आए थे, ये द ग्रैंड होटल है। और अब चल रहे हैं हम लोग अभी स्विमिंग पूल, तो वहाँ पे चल के थोड़ी देर स्विमिंग पूल में रहते हैं, फिर आगे रूम में आएंगे अपना। स्टेयर्स और रूम में चलेंगे, फिर चेंज करके पूल में चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है रूम आज का अपना नाइट स्टे के लिए, और ये देख सकते हैं बाथ टब है इधर, और ये हमारा वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया सा है, 5-star होटल है, तो ऑलमोस्ट वैसे ही होगा फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया सा है। एंड ये हमारा डबल बेडरूम है, एंड चलता हूँ, ये एक टीवी लगा हुआ है इधर सामने, और ये इस तरीके से पैसेज है यहाँ पे आने के लिए, लॉबी एंट्रेंस, ये बेड है, और एक सोफ़ा दिया हुआ है, और एक वर्किंग टेबल भी है साइड में, तो कर्टेंस लगे, ये वर्किंग टेबल है हमारी, और इसका पूल फेसिंग है पूरा, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब जल्दी से रेडी होके चलते हैं डिनर और पूल पे। तो ये हमारा पूल, नीचे पूल साइड एरिया, तो अभी देखते हैं अगर ओपन होगा तो चलते हैं, अभी नहीं तो बाद में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये है रूम अपना और द ग्रैंड में, आज नाइट स्टे यहीं पर रहेगा, 8:31। तो देखते हैं अगर स्विमिंग पूल खुला हुआ तो चलेंगे स्विमिंग के लिए।
और अभी चल रहा है स्विमिंग पे, अगर पूल खुला होता है तो स्विमिंग पे चलते हैं, फिर नहीं तो मॉर्निंग में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी 8:41 हो गया, एक्चुअली 8:30 पूल टाइमिंग्स है। ये देखिए पीछे अभी कुछ फोटोज हम लोगों ने क्लिक करवा ली, अब मॉर्निंग में आएंगे पूल में। अभी तो बंद हो गया तो अब चलते हैं मॉर्निंग में आएंगे, अभी चलेंगे डिनर करते हैं। तो फ्रेंड्स पूल बंद था तो अभी हम लोग इधर ही साइड में आ गए और अभी थोड़ी देर में चलेंगे डिनर करेंगे यहाँ से। और ये अपना होटल है पूरा द ग्रैंड बसंत कुंज, साइड में यहाँ टेबल्स लगी हैं, यहाँ पे भी आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैक्स ले सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 10:15 और अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। तो खाना खाते हैं, बताते हैं कैसा टेस्ट है। टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए, अब देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स डाइनिंग एरिया है, उधर रिसेप्शन है और यहाँ से एंट्रेंस है। अब चलते हैं यहाँ पे और अब चल रहे हैं डिनर करते हैं। और थोड़ा ऐड ऑन कराना था मेरा स्टे का, तो वो करा लिया फ्रेंड ने। और अभी चलते हैं यहाँ पे डिनर के लिए। तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे और फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिनर है, नान रोटी पनीर दाल और ये सैलेड। डिनर करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो 11:15 हो गया और हम लोग डिनर कर चुके हैं। अब देखिए सब लोग पूरा एंट्री हो गए, ये डिनर हॉल है अपना। और अब चलते हैं रूम में, काफ़ी थक गए। ये नीचे वाला हॉल था पूरा डाइनिंग का और अब चल रहे हैं अपने रूम पे। हमारा रूम 5th फ्लोर पे है तो वहाँ पे चलते हैं लिफ्ट से, फ्लाइट से कुछ फोटोज लेंगे फिर आगे। तो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम है और ये देखिए यहाँ पे पूरे पार्टी चल रही है अभी। और अभी हम लोग ऐसे आए थे बाहर टहलने खाने के बाद, ये अपना होटल है पूरा, चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स रूम पर और 11:43 हो गया। अब एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया, चलते हैं मॉर्निंग में भी अर्ली मॉर्निंग उठना है हमको। तो सुबह उठ के फिर कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। ये एलिवेटर्स हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं एलिवेटर्स हैं। टोटल 6 फ्लोर का तो ये अपना एलिवेटर लॉबी और इधर मेन लॉबी। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अब सुबह अभी 7:45 बज गए हैं। 7 बजे का टारगेट था बट 7:45 पे उठ गया। बट व्यू अभी आपको दिखाता हूँ पीछे से, बहुत मस्त व्यू है और स्विमिंग पूल का रात में देख नहीं पाए थे। ये हमारा रूम है जैसे मैंने आपको दिखाया था और ये बैक साइड का व्यू है पूल का। तो अभी चलते हैं पूल में फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आज यहाँ से चेकआउट करके। तो रूम एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ा मैसी हो गया। तो वॉशरूम है ये वाला, ये स्लाइडर डोर है, इस तरह से करेंगे स्लाइड तो मिरर हो जाता है। यहाँ से अपना वॉश बेसिन, बाथटब, इधर ये शावर, और ये वार्डरोब है और इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ टॉयलेट। ये भी एक डोर है यहाँ से स्लाइड, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये है पूल और ये अपना होटल है इस साइड में द ग्रैंड। और अब चलते हैं थोड़ा पूल में एंजॉय करते हैं फिर आगे चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से चेकआउट। अभी सामान रख दिया, चलते हैं पूल।
तो है जमाइन तो है जमीन हमसे ना कभी हम तो हो गए जमा धीरे धीरे हमसे ना कभी तो फ्रेंड्स पूल एंजॉय कर रहे हैं और वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक है और टाइम आप देख सकते हैं 7:55 हुआ है तो बढ़िया इधर अपना मॉर्निंग का टाइम है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये एक्चुअली अपना वसंत कुंज में ये होटल पड़ता है द ग्रैंड और ये हमारा एयरपोर्ट के पास में ही है तो इसलिए ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा ही रहती है यहाँ। तो फ्रेंड्स 8:14 हो गया 8:15 हो रहा है अब चलते हैं पूल एंजॉय कर लिया काफ़ी अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे होटल से चेकआउट करना है फिर वापस चलेंगे और वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा इसी तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अभी टाइम हमारा 9:45 हो गया और अब चल रहे हैं रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और टाइम अभी 8:50 तो हुआ है अब ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलते हैं चेकआउट करेंगे यहाँ से। इधर लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है इस साइड। तो फ्रेंड्स अभी हमारा टाइम हो गया 9:30 और अब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं बिलिंग हो रही है फिर चेकआउट करते हैं फिर आगे चलते हैं अपना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए और अब आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे और चलते हैं वापस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड ड्राइव सेफ। अब चल रहे हैं वहाँ पे मेट्रो पे तो अभी यहाँ पे मैं ग्रेटर कैलाश मेट्रो पे आ गया हूँ और यहाँ से हम नोएडा के लिए जाएंगे जो कि सबसे आसान रास्ता है तो चलते हैं। यहाँ से अपना एंटर किए हैं ये ग्रेटर कैलाश स्टेशन है और अब चलते हैं यहाँ से मेट्रो लेंगे फिर आगे चलते हैं। बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाना है और ये वाला है तो देखते हैं ट्रेन आने वाली है ये लगे रहते हैं बैरिकेडिंग्स मेट्रो पे तो डोर्स पे ही ओपनिंग रहती है। अब चलते हैं यहाँ से नोएडा की तरफ यहाँ से बॉटनिकल गार्डन और फिर वहाँ से सेक्टर 52 जाएंगे क्योंकि हमें सेक्टर 121 जाना है। तो अभी हम सेक्टर 52 नोएडा पहुँच गए हैं 52 वाला मेट्रो स्टेशन है नीचे रोड है तो अब यहाँ पे जाऊँगा भाई को बुला लिया है वो आ गया तो लेके चलते हैं फिर यहाँ से उधर से रोड क्रॉस करके भी हम उस साइड और अब चलते हैं यहाँ पे वीडियो को यहीं एंड करेंगे। So guys, thanks for watching and do take very good care of yourselves. Goodbye.